आज की बात ऐसी है कि वर्कआउट का स्लॉट मिला है 11 बजे का, 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो कॉफ़ी बना लेते हैं। सो कॉफ़ी बन गई। तो बात कुछ ऐसी है, आज का स्लॉट मिला है मेरे को 11 बजे का, 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, मेरे पे अराउंड 15 मिनट है यहाँ से निकल के, फिर मेट्रो पकड़ के मुझे वुडलैंड जाना होगा जहाँ पे मेरा एक्चुअली जिम है। तो 2 ही दिन मिलते हैं, चलते हैं भाई। आज का सेशन जो होगा वो चेस्ट और लेग्स होगा, लेग्स मेरे फेवरेट हैं और चेस्ट है कि मेरे से होती नहीं, खैर। पहले मैंने ये जूते साफ़ करे, बारिश हो रही है फिर गंदी हो रही है, खैर वर्कआउट फिनिश हो गया है, घर जा रहा हूँ, वहाँ मिलते हैं। What's up everyone, this is Pranay and I welcome you to my channel। बात करते हैं अब आज के वर्कआउट के। आज का वर्कआउट बढ़िया रहा, आज लेग्स और चेस्ट थे, दोनों एक साथ करो तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है और रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, बट एनीवेज वर्कआउट बहुत अच्छे रहे। और अब बात करते हैं मेरा आज फिजिक स्टेटस की। मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ, ये मेरा जो गोल है उससे थोड़ा पीछे है, बट अपनी कैलोरीज मैंने रिकैलिब्रेट करी है एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मुझे डिफरेंस और पता लगेगा। मैं कुछ टाइम से इस वेट पे स्टक हूँ, वो हो क्या रहा है कि मैं पहले थोड़ा वेट 1-2 किलो कम होता है और फिर वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम हो जा रही थी, तो फिर क्या होता है भूख लगने लगती है और मैं किसी ना किसी टाइम पे ब्रेक कर जाता हूँ। अब क्या करने का प्लान है मेरा कि मैं अपनी कैलोरीज और मील्स कंसिस्टेंट रखूँगा, ऐसे पीरियड में ना आऊँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगे, क्योंकि वेट ऑलरेडी कम हो चुका है मेरा पहले से। तो अब अगर मील्स के बीच में गैप हो जाए या फिर थोड़ी अनकंसिस्टेंट मील हो जाए तो भूख बढ़ जाती है और फिर कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं उस सप्लीमेंट की जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ। वे में मैं अभी हाइड्रो वे यूज़ कर रहा था और इसको मैं अपना फीडबैक देता हूँ आपको इसके ऊपर, और मैं इसको 4 चीज़ों के ऊपर आपको एक कंपैरिजन पॉइंट दूंगा। पहला है टेस्ट, दूसरा है इसका जो मिक्सिबिलिटी है कि किन चीज़ों में कैसा मिक्स होता है, तीसरा हो गया हमारा ये रिकवरी में कितनी हेल्प करता है, और चौथा हो जाएगा प्राइस। तो मेरे पे अभी ऑलरेडी 1 स्कूप है सप्लीमेंट का, मैं इसको मिला दूँ। बहुत ज़्यादा
अब मेरा ये पैक ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, आप देखोगे। इसकी बात करते हैं पहले, जब मैंने सप्लीमेंट ये लेना चालू किया था तब इसका टेस्ट मुझे एक दो दिन तक उतना अच्छा नहीं लगा था, मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ द स्वीटनर्स दैट दे आर यूजिंग। बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहते हो तब आपको इसका टेस्ट एडजस्ट हो जाता है और ठीक लगने लगता है। टेस्ट वाइज मेरे पे अभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसका चॉकलेट भी आता है एंड और भी एक दो फ्लेवर्स आते हैं जो मैंने ट्राई नहीं किए। तो स्ट्रॉबेरी को मैं दूंगा अराउंड 6.5। ये बहुत अच्छा नहीं है पर हाँ बुरा भी नहीं है, तो ये कहीं बीच में आता है। नंबर टू, अब बात करते हैं मिक्सिबिलिटी। मिक्सिबिलिटी मैं आपको बता ही रहा था, ऑन का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मिक्सिबिलिटी में ख़राब हो, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा अभी तक। तो ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है ऑन का, वन ऑफ द शायद मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है और मिक्सिबिलिटी में बहुत अच्छा है। आप इसको पानी में मिला लो, बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कभी कभार जब भूख लग रही होती है तो उसको दही में भी मिला लेता हूँ और इसको दूध में भी मिला लेता हूँ। दोनों चीज़ें दोनों में बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है। हाँ, पर आपको मिलाना नहीं चाहिए। आप इतना महंगे प्रोटीन पे इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो ताकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, पर अगर आप उसको पानी या दूध में मिलाओगे तो उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मिक्सिबिलिटी में और कोई कंप्लेंट्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट। तीसरा पॉइंट करते हैं कि रिकवरी में। अब यार रिकवरी की बात करूँ तो देखो, मैं एक नॉर्मल IT प्रोफेशनल हूँ जो कि फिटनेस में थोड़ा बहुत जाना चाहता है, तो मेरे लेवल पे मैं कहूँगा मैं चाहे ये सप्लीमेंट यूज़ करूँ चाहे मैं कॉन्सेंट्रेट यूज़ करूँ जो नॉर्मल गोल्ड स्टैंडर्ड आता है ऑन का, या इनफैक्ट कोई भी वे प्रोटीन यूज़ करूँ, तो मेरे वर्कआउट्स इंटेंस होते हैं मेरे लेवल पे, पर शायद मुझे रिकवरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगता। मैं कोई भी वे लूँ, जितना मेरा अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मैं उसको मीट करता हूँ जब, तो मुझे उतना डिफरेंस इसको लेके भी नहीं पता लगा। रिकवरी हो जाती है, रिकवरी में कोई कंप्लेन नहीं है, पर हाँ वो इसके बिना भी हो रही थी कि मैं अगर हाइड्रोवे की जगह आइसोलेट या कोई एक स्टैंडर्ड वे लूँ तो मेरी उसमें भी रिकवरी बहुत ईजिली हो जाती है। तो मैं इसमें इसको ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम प्रोडक्ट है, मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता लगा, तो 10 out of 10 ही दूंगा क्योंकि मुझे नॉर्मल वे से भी 10 out of 10 रिकवरी मिलती है। तो मे बी अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या बहुत इलीट लेवल के एथलीट हो तो आपको डिफरेंस पता लगे, पर मेरे लेवल पे मुझे कोई खास इसका डिफरेंस नहीं पता लगा। मुझे एक शौक था सप्लीमेंट का कि यार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, उस वजह से मैंने ये लिया और सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है जो कि हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे, एंड मेरी रिकवरी में मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि ये इसका प्राइस ब्रैकेट क्या है। ये इंडिया में भी अभी आई थिंक 9 से 11 हज़ार के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग आप कहाँ ले रहे हो या कहाँ से ले रहे हो। GNC की स्टोर्स पे आई थिंक ये अराउंड 11 हज़ार के आसपास होगा। ऑनलाइन आप खरीदोगे तो आपको आई थिंक 8, 8.5, 9 इस रेंज में आपको बहुत जगह मिल जाएगा। और वे प्रोटीन आजकल इंडिया में लोकल भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, और मैं बहुत सारे एड्स देख रहा हूँ कि वो 1000-2000 की रेंज में बहुत अच्छा अमाउंट आ जाता है। उस हिसाब से ये बहुत महंगा सप्लीमेंट है, और आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जब आप बहुत प्रीमियम चीज़ों में चले जाते हो, ये वे की बात नहीं है, ये किसी भी चीज़ की बात है, तो एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्ले आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप पहली चीज़ है आप वे लें अगर आपका, या आप अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं अगर आप वर्कआउट करते हैं और आपकी रिकवरी नहीं हो रही है। अब आप उसी में प्रीमियम जितना जाते रहोगे उससे क्या होगा कि एक लिमिट तक आपकी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब जितना प्रीमियम आप जा रहे हो आप पैसा ज़्यादा खर्च करोगे पर उसके रिटर्न्स कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली। तो इस प्रोडक्ट के लिए भी यही लागू होता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कोई प्रोटीन जो इससे ज़्यादा महंगा है। तो आप बिल्कुल टॉप नॉच वाली चीज़ ले रहे हो, तो अगर आप एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब आपके लिए बजट कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं, तो आप ऑब्वियसली बात है इसे अफोर्ड कर सकते हो, उस केस में आपके लिए ये 10 out of 10 है। पर मेरे लिए या कोई ऐसा बंदा जो कि इसको कंसिस्टेंटली अफोर्ड नहीं कर सकता, उस वजह से मैं कहूँगा ये बहुत हायर एंड पे है। और अब मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी आ गए हैं, तो इस वजह से मैं इसको प्राइस ब्रैकेट में अराउंड 5 points दूंगा, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम साइड में आता है। ये प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, ये बस कॉस्ट की वजह से, मे बी वो इतना रिफाइंड वर्जन हमको दे रहे हैं और कि जिस वजह से आप इसको सॉरी
मे बी वो इतना रिफाइंड वर्जन हमको दे रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना महंगा हो जाता है। ये हाइड्रोलाइज है तो ये थोड़ा सा प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, बहुत ईजिली डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप वे की बात करें तो ये सबसे हाइएस्ट कैटेगरी में और सबसे जल्दी डाइजेस्ट होगा वे में, ठीक है। तो उस वजह से आई अंडरस्टैंड ये महंगा प्रोडक्ट है। पर अब आपकी बात आती है आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप एलीट एथलीट हो या बॉडी बिल्डर हो तो ये वीडियो देख ही क्यों रहे हो पर अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि फिटनेस में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हो और मेरी तरह अपने सिक्स पैक लाना चाहता हो और बहुत ज़्यादा बल्की बॉडी नहीं चाहिए, बिल्कुल लीन बॉडी चाहिए मेरे को विथ थोड़ी बहुत मसल्स, मेरे लिए और उन लोगों के लिए ये थोड़ा ओवरकिल होगा। हाँ, शायद प्रोफेशनल लेवल पे आपको इसका डिफरेंस दिखे, ठीक है। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। थैंक्स।